नमस्कार बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। केंद्र में मंत्री बनने के बाद आज पहली बार पशुपति पारस पटना पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही जो कार्यकर्ता थे उनके वो हर्षोल्लास के साथ काफ़ी उत्साह में थे। पूरे पटना को पोस्टरों से सजा दिया गया था। ऐसे में जब पशुपति पारस पहुँचे तो बारिश ने उनकी यात्रा पर थोड़ी देर खलल डाली है, लेकिन जिसके बाद उनका काफिला हाजीपुर के लिए निकला है। पशुपति पारस से जब हमने बातचीत की है तो क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस, जरा आप वो सुनिए। क्या बहुत है, पहली बार मैं आया हूँ, इतना भव्य स्वागत हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और पहली बार जीत के जाने के बाद उन्होंने भारत सरकार के मंत्री का पद मुझको दिया, और हाजीपुर की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जनता को काफी आपसे उम्मीद है? हाँ, काफी उम्मीद है, और मैं काफी काम भी करूँगा। जो मुझको विभाग मिला है मैं ईमानदारी से निष्ठापूर्वक मैं सेवा करूंगा, और हाजीपुर की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ। अब मैं सीधे हाजीपुर जा रहा हूँ। जनगणना को लेकर कुछ बोलेंगे? जो सब दलीय फैसला मुलाकात हुई है, जो सभी लोगों की राय होगी हमारी भी राय होगी, हमारी पार्टी की भी राय होगी। नीतीश कुमार ने बोला है कि प्रधानमंत्री ने सुना है सारी बातों को। ठीक ठीक, चलिए चलिए। चिराग पासवान से पूछो ना कहा दौरा कर रहा है, क्यों परेशान है, क्यों परेशान है, लड़े लड़े लड़ाई कहना है कि आपका आज जो। तो आपने पशुपति पारस को सुना, पशुपति पारस का साफ तौर पे कहना था कि कार्यकर्ता उनके समर्थन में है। कार्यकर्ताओं की भीड़ एयरपोर्ट पहुंची है, कार्यकर्ता उनको पूरा तरीके से समर्थन दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वो अभी अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर के दौरे पर जाएंगे, अभी वो प्रदेश कार्यालय भी नहीं गए हैं। पटना एयरपोर्ट से निकलते ही वो अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुँचेंगे, जहां पर वो वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी, उस तरीके का भीड़ पशुपति पारस के इस यात्रा में देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में लोजपा दो गुटों में बट गया है, क्योंकि चिराग गुट के तरफ तो समर्थक दिखते हैं, मगर पशुपति पारस के आज यात्रा में समर्थकों की संख्या कम थी। हालांकि लोजपा के नेताओं का कहना था कि समर्थन पूरे तरीके से है, पशुपति पारस भी कह रहे थे कि काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। बहरहाल देखना होगा कि किस तरीके से आज का जो उनका दौरा है वो सफल हो पाता है, और किस तरीके से लोग इस उनके जो समर्थक है उनके इस यात्रा में शामिल होते हैं। आप हमसे हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। बिहार इन शॉर्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। क्या बहुत है, पहली बार मैं आया हूँ, इतना भव्य स्वागत हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और पहली बार जीत के जाने के बाद उन्होंने भारत सरकार के मंत्री का पद मुझको दिया, और हाजीपुर की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जनता को काफी आपसे उम्मीद है? हाँ, काफी उम्मीद है, और मैं काफी काम भी करूँगा। जो मुझको विभाग मिला है मैं ईमानदारी से निष्ठापूर्वक मैं सेवा करूंगा, और हाजीपुर की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ। अब मैं सीधे हाजीपुर जा रहा हूँ। जनगणना को लेकर कुछ बोलेंगे? जो सब दलीय फैसला हो, मुलाकात हुई है, जो सभी लोगों की राय होगी हमारी भी राय होगी, हमारी पार्टी की भी राय होगी। नीतीश कुमार ने बोला है कि प्रधानमंत्री ने सुना है सारी बातों को। ठीक ठीक, चलिए चलिए। चिराग पासवान से पूछो ना कहा दौरा कर रहा है, क्यों परेशान है, क्यों परेशान है, लड़े लड़े लड़ाई कहना है कि आपका आज जो